देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो काम है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है। ये जो हमारा फोल लगा हुआ है, इस पर जो दो एलईडी लाइट दिखाई दे रही हैं, ये अभी जल नहीं रही हैं, इन्हें हमें सही करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो बेल लगी हुई हैं, उनने हमारे पोल पर और लाइटों को बिल्कुल कब्ज़ा कर रखा है। बिल्कुल भी हमारी लाइट हैं वो थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं। तो ये काम जो है वो हमें करना है, तो आज हम इसी को करके दिखाएंगे कि इसको हमें कैसे करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा कि यहाँ पर सीढ़ी लगाने के लिए जगह दिखाई दे रही है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ी लगाने के लिए भी हमारे पास जगह नहीं है, बहुत थोड़ी सी जगह है और वहाँ पर भी कीचड़ है। तो हमें जो सीढ़ी को है वो भी हमें पोल पर अच्छे से लगानी है, और बेल की वजह से पोल भी सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो सीढ़ी को लगाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो क्या है, सीढ़ी जो है वो हमें बिल्कुल ही प्रॉपर लगानी होती है कि जिससे हम उस पर चढ़ें, सीढ़ी हमारी इधर उधर ना लटक जाए, नहीं तो उससे हम गिर भी सकते हैं। तो इसके लिए हमें सीढ़ी लगाने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झाड़ी पूरी तरह बिल्कुल पोल के पास ही है, तो ये जो हमारे पार्टनर हैं ये सीढ़ी लगा रहे हैं, तो सीढ़ी को बिल्कुल ही फिक्स करना होगा हमें पोल पे, कि इधर उधर हिले डुले नहीं, क्योंकि इस पे हमें काम चढ़ के काम करना है और चालू लाइन है। तो सीढ़ी को अच्छे से लगा लें। सीढ़ी को अच्छे से लगाने के बाद सेफ्टी बेल्ट को पहन लिया है, और सेफ्टी बेल्ट पहनने के बाद हम पोल पर चढ़ेंगे, और सबसे पहले वहाँ पर हमें बेल्ट को बांधना होगा। तो आज जो काम है वो हमारा बेल्ट बांधने के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ना तो हमें पोल दिखाई दे रहा है और जो पोलों के बीच में जो हमारी केबल चढ़ी होती हैं, तो हमने कई वीडियो में बताया है कि जो इंसुलेशन है वो केबल का, कई केबलों का इंसुलेशन हटा हुआ होता है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी केबल है, तो इसका भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी तो हमें कोई भी केबल दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी हम जो बेल्ट है उसको हमें बहुत ही सावधानी से बांधना होगा, क्योंकि अगर बेल्ट नहीं बांधेंगे तो हम घर पर कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो बेल्ट को बहुत ही सावधानी से बांध लेंगे, और जब तक हमारा बेल्ट नहीं बन जाता, जो हमारे पार्टनर हैं वो सीढ़ी को पकड़ के रखते हैं ताकि हमारी जो सीढ़ी है वो इधर उधर ना लटके। तो देखिए दोस्तों, अब हमने जो बेल्ट है वो अच्छे से बांध लिया है और हम बेल्ट पर फ्री हो गए हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारी जो झाड़ी है वहाँ पर हम झाड़ियों को साफ़ करेंगे, क्योंकि अभी भी हमें बिल्कुल भी वहाँ पर कोई भी केबल दिखाई नहीं दे रही है, और जो हमारी लाइट है उसके भी वायर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, कौन से वायर कहाँ आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसको साफ़ करना होगा, ये जो झाड़ी है पास में, और हम ज़्यादा ऊपर की तरफ साफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारी 3 फेज सप्लाई है 440 वोल्ट की, तो वहाँ भी हमें सावधानी का ध्यान रखना है। और ये भी देखना है कि जो हमारी केबल आई हुई हैं और जहाँ पर हम झाड़ी को हटा रहे हैं वहाँ पर कोई केबल का या कोई वायर जो है वो हमारा ना हो, जो हमारा लाइन से कनेक्ट हो। तो बहुत ही सावधानी से इसको करना होगा और देख के। तो हम क्या करेंगे, जो अपनी जगह जहाँ पर हमें काम करना है और हमें जो वायर चाहिए हैं जिस काम करना है, जो हमारे ट्यूब लाइट के वायर हैं उन्हें देख लेंगे, उनको निकाल लेंगे और वहीं पर इसको आराम से साफ़ कर लेंगे। और ज़्यादा ऊपर बिल्कुल भी साफ़ नहीं करें, क्योंकि जो हमारी बेल हैं वो बहुत ही गीली हैं, बिल्कुल गीली हैं, और अभी बारिश भी हुई है तो और भी गीलापन है, तो इससे हमें करंट लग सकता है, क्योंकि हमारी जो सप्लाई है वो 440 वोल्ट की वहाँ पर लाइव है, अभी भी चल रही है। तो इसको बहुत ही सावधानी से करना होगा, और इसके बाद हमें देखना होगा कि जो हमारी लाइट है वो क्यों नहीं जल रही है। इसमें हमारा ज़्यादातर जो फॉल्ट होता है वो यह होता है कि जो हमारे न्यूट्रल फेस होते हैं उसमें हमारे कार्बन आ जाता है, तो जो वायर हैं वो हमारे ऐसे ही खुले में लगे हुए होते हैं, तो वायर जो है वो थोड़े से भी लूज़ रह जाते हैं और बारिश की वजह से गीलापन होता है, और थोड़ी भी स्पार्किंग उसमें रह जाती है तो उसकी वजह से उसमें कार्बन आ जाता है। कार्बन आने की वजह से जो हमारी सप्लाई है वो उसको, जो हमारी लाइट को सप्लाई देना बंद कर देता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में हमारे पास इस प्रकार के कई काम आते हैं और उसको हम क्लियर भी करते हैं। और जो दोस्त ये भी सोचते हों कि इस प्रकार का काम करने में हमें डर लगता है या नहीं लगता है, जो चालू लाइन में काम करते हैं, तो हम आपको बता दें, इस प्रकार के काम में हमें कोई भी डर नहीं लगता है, और अगर हम डर के काम करेंगे तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। इसमें हमें डर क्यों नहीं लगता, इसका कारण है, इलेक्ट्रिकल में जितने भी प्रकार के हमारे काम होते हैं उतने ही प्रकार के हमारे उसके सेफ्टी इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम चालू लाइन पर पोल पर काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर जो जितने भी प्रकार के सेफ्टी इंस्ट्रक्शन हैं उसको ध्यान रखना चाहिए, और जैसे हम कभी किसी पैनल पर काम कर रहे हैं चालू लाइन में, तो वहाँ पर हमें देखना चाहिए कि हमें इधर पर किस चीज़ से सेफ़ रहना है, किस से अपना बचाव करना है। तो इसी प्रकार
की जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा काम करते समय हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर हम काम कर रहे हैं हमारा ध्यान वहीं पर हो, ऐसा ना हो हम काम यहाँ पर कर रहे हैं और हमारा ध्यान किसी और जगह है, इससे हमें बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जहाँ पर हम काम करें वहाँ पर ही उसका मेन फोकस होना चाहिए हमारा। देखिए दोस्तों, जो हमारा हमने बताया था कि इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी कार्बन की ही होती है, तो इसमें भी हमारा जो कार्बन आ गया था वायर में, तो हम क्या करेंगे उसको वायर को जो छीला था उसको हम निकाल देंगे और उसको दोबारा छील के जो हमारा बिल्कुल साफ वायर आ जाएगा, तो उसको हम फिर से जो न्यूट्रल, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल वाला वायर है, तो जो कार्बन आया था वो हमारा न्यूट्रल में ही आया था दोनों लाइटों के, तो हम क्या करेंगे उन दोनों लाइटों के न्यूट्रल को अच्छे से छील के साफ करके उसको कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने उसको कनेक्ट कर दिया है दोनों वायर को। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो हमारी लाइट है उसको हमें चेक करना होगा, ये हमारी लाइट चालू हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए हम अक्सर क्या करते हैं, एक हम इंसुलेटेड वायर लेते हैं और उस वायर की सहायता से जो हमारे स्ट्रीट लाइट का फेस है उसको, जो हमारे तीनों फेस जा रहे हैं, तो किसी एक फेस को हम स्ट्रीट लाइट के फेस में शॉर्ट कर देते हैं, जिससे हमारी जो सप्लाई है वो हमारे स्ट्रीट लाइट में सप्लाई आ जाती है, तो इससे जो हमारी लाइट है वो चालू हो जाती है। तो इससे हम क्या है, चेक हो जाती है, तो हमें हाल के हाल पता चल जाता है हमारी लाइट सही हो गई है या नहीं हो गई है। तो देखिए, हमने स्ट्रीट लाइट के फेस को जो हमारा मेन लाइन के फेस है वहाँ से स्ट्रीट लाइट के फेस में दे दिया है, तो ये जो लाइट है वो हमारी चालू हो गई है। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल KB इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।